हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो अपलोड क्यों नहीं होती है, क्यों बीच में रुक जाती है और इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपकी भी वीडियो आपने शूट की, उसको जो है आपने डायरेक्ट अपलोड पे लगा दिया, अपलोड आपकी वीडियो पूरी 100% नहीं हुई, बीच में अटक गई 20%, 60%, 80% पर और वो आगे नहीं बढ़ रही है, आपने अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर लिया, आपने अपने फ़ोन के नेटवर्क को भी चेक कर लिया, आपने वाईफाई से भी उसको कनेक्ट करके देख लिया, उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, आपकी जो वो वीडियो जो अटक गई है बीच में, रुक गई है बीच में, वहीं पर उस पर स्टॉक लग गया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर होता क्या है कि काफ़ी पर्सन के हमें कमेंट्स एंड DMs आते हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमने रील्स वीडियो को बनाया, रील्स वीडियो को बनाते ही हमने डायरेक्ट उसको अपलोड पे लगा दिया। तो फर्स्ट मिस्टेक तो आपने यहीं पर कर दी कि आपने डायरेक्ट उसको अपलोड पे लगा दिया। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, हम आपको जो है सही तरीका बताते हैं, आप उनको जो है सही से फॉलो नहीं करते हो। आपको जो है सबसे पहले वीडियो को शूट करना चाहिए, उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको ऐड करनी है, जो जो चीज़ लगानी है वो कर लेना है, उसके बाद में उस वीडियो को आपको ड्राफ्ट के अंदर सेव करना है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ड्राफ्ट के अंदर सेव करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आपकी वो वीडियो अपलोड नहीं होती है तो वो वीडियो आपको दोबारा से ड्राफ्ट के अंदर मिल जाएगी, और अगर आप उसको डायरेक्ट जो है अपलोड करते हो और किसी कारण से, किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से वो वीडियो रुक जाती है तो वो आपको ड्राफ्ट के अंदर भी नहीं मिलेगी और जो वीडियो आपने अपलोड लगाई है वो वहीं पर अटक जाएगी, उसे दोबारा से आप अपलोड नहीं कर सकते। जैसे कि काफ़ी पर्सन को यही प्रॉब्लम आती है कि वो अपलोड भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको जो है ये गलती नहीं करनी है, अपनी वीडियो को बना करके पहले तो ड्राफ्ट के अंदर सेव करना है, उसके बाद में ही उसको आपको अपलोड करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने ड्राफ्ट के अंदर सेव की, उसके बाद में जो है आपकी वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसा होता क्यों है गाइस? होता इसलिए है, कभी कभी जो है टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कभी कभी बग आ जाता है, जिस कारण से जो है हमें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा इंटरनेट ही ख़राब है जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी आती है, वाईफाई भी कनेक्ट करके कुछ लोग करते हैं, उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम एक बग होता है जो कि ऊपर से ही होता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर करना क्या है, वो जो वीडियो हमारी रुक गई है, स्टॉक लग गया है, उसको वहाँ से हम डिलीट करेंगे। अगर वो डिलीट नहीं होती है, आपसे वो डिलीट नहीं हो रही है, तो आप जो है अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए, रिबूट के बाद में वो वहाँ से हट जाएगी। जैसे फ़ोन को रिबूट करोगे वो वहाँ से हट जाएगी, उसके बाद में जो वीडियो आपने उसी को ड्राफ्ट के अंदर सेव किया है उसको आप जो है ड्राफ्ट के अंदर वाली जो वीडियो है उसको दोबारा से अगेन अपलोड करेंगे। लेकिन आप उसी वक्त पर उसको अपलोड मत करना, आप जो है कम से कम 2 घंटे के या 3 घंटे के बाद करना, क्योंकि उस वक्त पर तो एक बग चल रहा है, टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, वो वीडियो भी आपकी रुक जाएगी। आपको इसमें जो है थोड़ा सा वेट करके 2 से 3 घंटे का, उसके बाद में ड्राफ्ट की वीडियो जो आपकी है उसको तब अपलोड करना है। तो इसका यही सॉल्यूशन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो वीडियो हमारी स्टॉक हो गई है, जो रुक गई है, वही वीडियो अपलोड हो जाए, तो वो वीडियो आप कुछ भी अगर कर लोगे तब भी वो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है बग आ चुका है, टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है, वो वीडियो वहीं पर रुकी रहेगी। वो सिर्फ आपका फ़ोन रिबूट होगा, रीस्टार्ट आप करेंगे उसको, उसके बाद में वहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो गाइस, यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले वीडियो को बना करके ड्राफ्ट में आपको सेव करना चाहिए, डायरेक्ट अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहिए, वरना आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।